पाकिस्तान की मकबूल अदाकारा हानिया आमिर से मुतालिक माहिर इल्म नजूम ने पेशगोई की है। निजी टीवी के मॉर्निंग शो में तीन नजूमियों को मधु किया गया, जिसमें मेजबान ने इनसे मुतादिद अदाकारों के मुस्तकबिल से मुतालिक सवालात पूछे। अदाकार फवाद खान से मुतालिक माहिर नजूम का कहना था कि बहुत लोग सोच रहे थे कि बस इनका करियर अब डूब गया, मगर ऐसा नहीं है। आने वाला साल फवाद खान के लिए खूब शोहरत और कामयाबियाँ ला रहा है। इसके अलावा तीनों नजूमियों ने सीनियर अदाकार अदनान सिद्दीकी से मुतालिक कहा कि अदनान सिद्दीकी का आने वाला साल बहुत सी कामयाबियों से भरा होगा। वो कारोबार करेंगे या कोई भी इन्वेस्टमेंट, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर पाएंगे। निदा यासिर से मुतालिक माहिर इल्म नजूम ने कहा कि इनके आने वाला साल बहुत अच्छा साबित होगा और 2025 इनके लिए सरप्राइज भी ला रहा है। हुमायूं सईद से मुतालिक माहिर नजूम ने बताया कि हुमायूं सईद को माजी, हाल और मुस्तकबिल करीब में भी यही इज्जत और शोहरत हासिल रहेगी, क्योंकि पैसा और शोहरत इनकी जानिब खिंचा चला आता है। ये जो भी कारोबार करेंगे कामयाब रहेंगे। आने वाला साल इनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किलात भी लाएगा, मगर मुकम्मल तौर पर सब ठीक रहेगा। हानिया आमिर से मुतालिक पेशगोई करते हुए माहिर नजूम ने कहा कि हानिया आमिर बहुत अच्छी, बहुत मासूम इंसान है। इन्हें पागल बनाना बहुत आसान है, वो बहुत जल्दी बातों में आ जाती हैं। साल 2026 इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा, दुआ है ये मुस्बत हो। हानिया आमिर की जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। वीडियो वायरल होने के बाद हानिया आमिर के मदाहों ने मॉर्निंग शो मेजबान समेत नजूमियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने कहा कि किसी के मुस्तकबिल के हवाले से टेलीविजन पर बगैर इसकी रजामंदी के की जाने वाली पेशगोई पागलपन है, जबकि एक और सारिफ ने कहा कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, बराए मेहरबानी इसे आम ना किया जाए।